एक तरफ चुनावी घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं राजनीतिक दल। इसी कड़ी में मुरादाबाद में योगी आदित्यनाथ सीधा लिए चलते हैं। ये विकास आज जो मुरादाबाद में ओडीओपी के कारीगर और हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य हो रहा है, आज मुरादाबाद को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कार्य हो रहा है, आज ये मुरादाबाद का किसान हो या नौजवान, बेटी हो या व्यापारी, हर एक व्यक्ति आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो बहनों और भाइयों, इसलिए क्योंकि आपके हितों की चिंता करने वाली सरकार दिल्ली में भी बैठी है और लखनऊ में भी बैठी हुई है। हम जब अच्छा निर्णय लेते हैं तो अच्छा परिणाम भी आता है, जब बुरा निर्णय लेते हैं तो बुरे परिणाम से का खामियाजे भी भुगतना पड़ता है। अब याद करिए ना, समाजवादी पार्टी का पिछला सांसद क्या बोलता था, कहता था मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या बोलता था, बोलता था कि हम लोग कोई भी ऐसा बात नहीं बोलेंगे जो हिंदू समाज को अच्छा लगे। बहनों और भाइयों, अच्छा लगने और न लगने वाला समस्या उसकी नहीं है, समस्या भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है, किसी को नहीं दी जा सकती है। और वह तब जब भारत आज दुनिया के अंदर एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा हो, दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा हो, जब दुनिया के अंदर 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ रहा हो, बढ़ गया हो, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हो, भारत के अंदर विकास के अत्याधुनिक कार्य हो करके भारत आज दुनिया के अंदर तेजी के साथ उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ हो।